में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रिया हीर। आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। जाने माने गायक मीका सिंह अपनी दुल्हनिया ढूंढने के लिए टीवी की दुनिया पर आए थे और उन्होंने अपना स्वयंवर मीका दी वोटी शुरू किया। करीब एक महीने तक चले इस शो का जल्द ही फिनाले एपिसोड आने वाला है। शो में अब केवल 4 राजकुमारियां बची हैं, लेकिन इसी बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि मीका सिंह की तलाश पूरी हो गई है। जी हाँ, लगता है कि मीका सिंह को अपनी दुल्हनिया मिल गई है। खबर है कि एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी ने मीका दी वोटी का शो जीत लिया है। आपको बता दें कि स्वयंवर मीका दी वोटी का ग्रैंड फिनाले 25 जुलाई को होना है, जिसमें फैसला होगा कि मीका सिंह की दुल्हनिया कौन बनेगी। पर ऐसा लगता है कि पहले ही फैसला हो चुका है। आकांक्षा पुरी मीका सिंह का दिल जीतने में कामयाब रही हैं। आकांक्षा पुरी मीका सिंह की दुल्हन बनने वाली हैं। स्वयंवर मीका दी वोटी का प्रीमियर 19 जून को हुआ था और निर्माताओं ने आकांक्षा पुरी को वर्ल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के रूप में शो में एंट्री करवाई थी। एक्ट्रेस आकांक्षा 10 साल से भी ज्यादा समय से मीका की दोस्त हैं। उनकी एंट्री से शो में एक अलग तरह का उत्साह देखने को मिला है। मीका दी वोटी में एंट्री करने से पहले आकांक्षा पुरी ने कहा था कि वो मीका सिंह को 13-14 साल से जानती हैं। दोनों हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं, इसलिए जब उन्हें पता चला कि मीका सिंह स्वयंवर रचाकर अपने लिए दुल्हनिया खोज रहे हैं, तो उन्होंने भी अपनी दोस्ती को मौका देने के बारे में सोचा। आकांक्षा पुरी ने कहा था कि वो चाहती हैं कि उनका दोस्त उनका लाइफ पार्टनर बने। मीका दी वोटी में एंट्री करने पर आकांक्षा पुरी ने कहा था, किंग की क्वीन तो एक ही होगी और वो मैं हूँ। आकांक्षा पुरी मूल रूप से इंदौर की रहने वाली जानी मानी मॉडल और एक्ट्रेस हैं। उन्होंने साल 2015 में मशहूर फिल्म मेकर मधुर भंडारकर की फिल्म कैलेंडर गर्ल्स के जरिए बॉलीवुड में कदम रखा था। इसके बाद उन्होंने साउथ की भी कुछ फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें पहचान मिली टीवी के चर्चित शो विघ्नहर्ता गणेश से, जिसमें इन्होंने माँ पार्वती का रोल अदा किया था। इसके बाद आकांक्षा बिग बॉस 13 और बिग बॉस 15 में भी बतौर गेस्ट नजर आई थीं। इसी दौरान उनके और एक्टर पारस छाबड़ा के साथ उनके अफेयर की खबरें भी सामने आईं। लंबे वक्त तक डेट करने के बाद दोनों अलग हो गए और आकांक्षा ने कह दिया था कि वो सिंगल हैं। बता दें कि कुछ समय पहले मीका सिंह और आकांक्षा पुरी की एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसके बाद उनकी शादी की चर्चा शुरू हो गई थी। तब मीका ने कहा था कि वो तस्वीर उनके घर पर हुए एक पार्ट की थी, जिसमें आकांक्षा पुरी भी शामिल हुई थी। अब आकांक्षा पुरी सच में मीका सिंह की वोटी यानी दुल्हनिया बन गई हैं या नहीं, ये तो फिनाले एपिसोड देखने पर ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इसकी चर्चा जोरों पर है कि मीका ने आकांक्षा पुरी को अपनी दुल्हनिया चुन लिया है। फिनाले में आकांक्षा पुरी के अलावा प्रांतिका दास, नीत महल और किशन चंदानी हैं। वो भी मीका सिंह को इम्प्रेस करने में कामयाब रही हैं। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ इंडिया से।